हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल क्लास 9 के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, इस वीडियो में हम उसको कंटिन्यू करते हुए आज नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करने वाले हैं 6 से लेके 10 तक के। ठीक है, तो देखिए 6 क्वेश्चन जो भी इसमें दिया हुआ है, ये करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इन्हीं क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखना ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएं, और आपको उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और देखते हैं कितने बच्चे उसका सही आंसर देंगे। सबसे पहले देखिए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी गिवन है फिगर। इसमें एबीसी ट्राइंगल में बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी दोनों मीट करते हैं ओ पॉइंट पर। यह लिखा हुआ है मीट एट द पॉइंट ओ। प्रूव दैट एंगल बी ओ सी इज 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। प्रूफ करना है कि जो बी ओ सी एंगल है ये क्या है, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए, मैंने गिवन में लिख दिए बातें जो इसमें गिवन थी। टू प्रूफ जो मुझे करना है वो मैंने लिख दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे शुरू करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 90 क्वेश्चन में आ रहा है, और 90 हम ला सकते हैं कैसे, 180 का हाफ करके। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी बताइए एंगल्स एंड प्रॉपर्टी क्या होती है। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से मैंने तीनों एंगल के सम को 180 डिग्री लिख लिया बाय एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में हाफ से मल्टीप्लाई करा दूँ, अब आपके मन में आ रहा होगा कि हाफ से ही क्यों मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि देखो क्वेश्चन में हाफ हो रहा है, 90 आ रहा है, 90 कैसे आएगा 180 का हाफ करके, एंगल ए का हाफ करके आएगा एंगल ए का हाफ, क्लियर। तो क्वेश्चन में देखो प्रूफ क्या करना है, यहाँ मैंने लिखा है ये प्रूफ करना है, इसके अकॉर्डिंग मैंने मल्टीप्लाई करा दी हाफ से, हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल सी, और इधर भी क्या कर देंगे 180 का भी हाफ कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए हाफ ऑफ एंगल ए को तो ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि मेरे आंसर में आ रहा है। एंगल बी का हाफ, एंगल बी का हाफ करिए, एंगल बी का बाइसेक्टर ये ओ बी है, हाफ क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं एंगल वन को हाफ। एक बात सुनो, जब ये पूरा एंगल बी है आप इसको बाइसेक्ट कर दोगे तो ये वाला पार्ट हाफ ऑफ एंगल बी कहलाएगा, तो इसको मैंने एंगल वन नाम दे दिया। ठीक है, इसकी जगह मैं एंगल वन लिख रहा हूँ, इसकी जगह। ऐसे ही बाइसेक्टर ओ सी जो है एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो जब ये बाइसेक्ट हो जाएगा तो अंदर वाला एंगल को हम लिख सकते हैं, ये जो सेकेंड एंगल है एंगल नंबर टू नाम दे दिया मैंने, तो ओ सी ने एंगल सी को बाइसेक्ट करा तो हाफ हो जाएगा, एंगल टू इज हाफ ऑफ एंगल सी, इसकी जगह लिखेंगे एंगल टू, इधर आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब एंगल वन प्लस टू की हम वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, वन प्लस टू इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, ये इधर चली गई टर्म, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर वन। दूसरा ट्राइंगल देखिए कौन सा है, दूसरा ट्राइंगल है बी ओ सी। तो इन ट्राइंगल बी ओ सी, इस ट्राइंगल में भी अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल बी ओ सी, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। वन प्लस टू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वहाँ से देख सकते हैं आप फर्स्ट इक्वेशन से, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, क्लियर, प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो 90 डिग्री है और ये हाफ बी हाफ एंगल ए है, इन दोनों को उधर ले जाते हैं, तो बी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, हाफ ऑफ एंगल ए उधर जाके प्लस का हाफ ऑफ एंगल ए हो गया, तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू ये कितना हो गया 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ये हमारा आंसर प्रूव हो चुका है, यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ईजी भी बहुत है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और इजी बहुत है, मैं आपसे ये बार बार कह रहा हूँ इजी बहुत है, तो ध्यान से समझो, सिर्फ 2 मिनट का क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से समझोगे तो। ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, ठीक है, ए बी और सी डी लाइन पैरेलल है, हमेशा ध्यान रखो कभी भी लाइन पैरेलल है, आपको अगर कहीं जेड की शेप दिखाई दे रही है, जेड ऐसा भी हो सकता है, जेड की शेप ऐसी भी हो सकती है, लाइन बस पैरेलल होनी चाहिए, तो उसमें ये जो एंगल होते हैं एक इधर का और एक इधर का, एक और एक ट्रांसवर्सल के उधर एक इधर, ये होते हैं हमारे अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूँ इस फिगर को, तो अल्टरनेट एंगल ए पी बी ए पी क्यू का अल्टरनेट क्या होगा, एंगल ए पी क्यू
किसके इक्वल होगा? पी क्यू आर के। देखो Z बन रहा है, आप देखो ध्यान से, ए पी क्यू आर, ये देखो Z बन रहा है, तो ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से ए पी क्यू कितना है 50 और पी क्यू आर कितना है x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। हमें x की वैल्यू बतानी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y भी बताना है। अब देखो यहाँ पर दोबारा से ऑल्टरनेट आपको देखना है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन रहा है, देखो ये ए पी लाइन आ रही है यहाँ से ए पी, और ये ट्रांसवर्सल इस तरह जा रही है पी आर, और ये इधर को जा रहा है डी। तो देखो ये भी लाइन पैरेलल है, और ये जो फॉर्मेशन है जेड फॉर्मेशन है, लाइन पैरेलल होनी चाहिए बस। अब ये वाले एंगल, ये पूरा और ये पूरा, ये क्या होंगे? ऑल्टरनेट। तो इधर तो 127 डिग्री है, दिखाई दे रहा होगा आपको। अब ये पूरा एंगल कितना है? देखो लाइन से लेके ट्रांसवर्सल तक, लाइन से लेके ट्रांसवर्सल तक, तो ये है 50 प्लस वाई, दोनों को अगर मिला के देखोगे तो ये 50 प्लस वाई है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, ये भी क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। ए पी आर की वैल्यू है 50 प्लस वाई, और ये कितना है 127 डिग्री। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 127 माइनस 50, ये आ गया 77 डिग्री, हमारा y का आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए स्टूडेंट, आप अक्सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को इक्वल लिखते होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आज हम यही करने वाले हैं कि टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपको इस बात को प्रूफ करना है कि कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए अब मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, इन्होंने बोला टू लाइंस हैं जो आपस में क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो एक लाइन का नाम हो गया ए बी और दूसरी हो गई सी डी। मैंने दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करा दिया एट पॉइंट ओ। क्लियर? फिगर गिवन नहीं थी, मैंने खुद बनाई है, कुछ भी इसमें खास ऐसा है नहीं। टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ मैंने बना लिया। मुझे प्रूफ करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। आपको पता होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल होते कौन से हैं जो सामने आते हैं। ये देखो ये दोनों एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मुझे प्रूफ करना है कि दोनों एंगल क्या हैं आपस में? इक्वल प्रूफ करना है। क्लियर हो गया? करना क्या है आपको समझ में आ गया? देखिए अब क्या करेंगे, मैं इस पर 1 2 3 4 लिख लेता हूँ, बहुत ईजी रहता है समझने के लिए। ये 1 2 हो गया, इधर वाले एंगल को 3 4 लिख लेते हैं। क्लियर हो गया? ईजी रहता है लिखने में, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा आपको ए ओ सी बी ओ सी ये सब लिखने से आप बचेंगे अगर आप 1 2 3 4 नाम दे देंगे इसको। चलिए देखिए अब आप मुझे बताइए कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, हमने खुद ड्रॉ करी है, टू लाइंस हमने ड्रॉ करी है, एक तो नाम हो गया ए ओ बी और दूसरा हो गया सी ओ डी। हम लिखेंगे एज ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। जैसा कि ए ओ बी एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या होगा? 180 डिग्री बाय दी लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से हम इसको 180 डिग्री बोलते हैं। क्लियर? इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली जैसे आपने 1 प्लस 3 को 180 लिखा है, ऐसी ही सी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है, तो 1 प्लस 4 भी क्या होगा? सी ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन। बताइए 1 प्लस 4 भी क्या होगा? 180 डिग्री। ये भी क्या बन गया? लीनियर पेयर से, ठीक है, लीनियर पेयर बोलते हैं। कभी स्ट्रेट लाइन पर 180 बन रहा हो ना, जैसे 1 प्लस 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर, ए ओ बी एक सीधी लाइन है तो 1 प्लस 3 मिला के 180 होगा। ऐसे ही सी ओ डी भी एक स्ट्रेट लाइन है तो 1 प्लस 4 मिला के भी 180 ही होगा। ये दोनों इक्वेशन मेरे सामने आ चुकी हैं। अब देखो जो पहली इक्वेशन है उसमें 1 प्लस 3 किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल है। ऐसे ही दूसरी जो इक्वेशन है उसमें 1 प्लस 4 किसके इक्वल है? 180 के इक्वल है। तो दोनों ही चीज़ें 180 के इक्वल हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस 3 इक्वल टू, मतलब जो यहाँ से आया 1 प्लस 3 ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 प्लस 4 के। क्यों हुआ ये इक्वल? आप एक बात देखिए, जब ये चीज़ 180 के इक्वल है और कोई और चीज़ भी 180 के ही इक्वल है, दैट मीन्स वो दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। इस हिसाब से 1 और 1 एंगल कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव हो चुका है कि सामने वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और वो इक्वल होते हैं। जैसे हमने ये प्रूफ कर दिया, सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्लियर हो गई चीज़? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ रहा है।
पी क्यू पैरेलल टू आर एस इसमें दिया हुआ है, एक एंगल 135 है एम एक्स क्यू और एक एंगल जो एम वाई आर है वो 40 गिवन है। ठीक है, आपको बताना है एंगल एक्स एम वाई, मतलब आपको ये बीच में जो एंगल आ रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि जो हमारा एंगल एम था ना पूरा ये जो हमें फाइंड करना है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। एक तो हम सॉल्व कर लेंगे इधर से ऊपर वाली लाइन के साथ पैरेलल मान के और एक नीचे वाली लाइन के साथ पैरेलल मान के, मतलब ये अल्टरनेट से आ जाएगा, कुछ ऐसा करते हैं। ठीक है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ए बी विच इज़ पैरेलल टू पी क्यू। कंस्ट्रक्शन क्या करी हमने इसमें, ड्रॉ ए लाइन ए बी विच इज़ पैरेलल टू ये जो ए बी है किसके पैरेलल ड्रॉ किया हमने, पी क्यू के। ऑल्सो पी क्यू पैरेलल टू, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के। मैंने ड्रॉ करा ए बी को पी क्यू के पैरेलल और पी क्यू आर एस के पैरेलल है, दैट मीन्स ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू आर एस, तीनों ही क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। चलिए अब क्वेश्चन बहुत सिंपल बन चुका है, अब देखते हैं। देखो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है और ये 135 दिया हुआ है, ये बताइए एंगल 1 मान लेते हैं इसको, ये एंगल 1 और 135 ये दोनों एंगल मिला के क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये अंदर वाले दोनों एंगल मिला के क्या फॉर्म करेंगे बताइए, को इंटीरियर एंगल जिनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से ये 135 गिवन है, इसको मैंने नाम दे दिया एंगल नंबर 1। देखो ये मैंने यहाँ पर जो फिगर है यहाँ पर शो कर दी, ये लाइन है हमारी पी क्यू और ये है ए बी जो मैंने अभी कंस्ट्रक्ट करी थी, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पर एक्स पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पर क्या है, एम पॉइंट है। मैंने ऊपर वाली जो फिगर है ना ये दो लाइन ये आपके सामने यहाँ ड्रॉ कर दी, क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए, अब मैं लिखूँगा इन दोनों एंगल के नाम, तो क्यू एक्स एम एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल 1 मिला के कितना होगा, 180 होगा को इंटीरियर एंगल से, इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। अगर 135 एक है तो दूसरा हम आराम से निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू है 135 तो एंगल नंबर 1 यहाँ से कितना आ जाएगा, 180 माइनस 135 कर लीजिए 45 डिग्री आ गया एंगल नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये निकाल लिया 45 डिग्री। ऐसे ही जो एंगल नंबर 2 मैं मान रहा हूँ ये कैसे फाइंड करेंगे हम देखो, अगर मैं ये दोनों लाइन ड्रॉ करूँ, इसको छोड़ते हैं, अब नीचे वाली फिगर ड्रॉ करते हैं, एक लाइन है ए बी और एक लाइन है आर एस। यहाँ से मैं अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ ऐसे, ये देखो ये रही एम वाई जो लाइन है ऐसे है इस टाइम, इस तरह से अगर मैं ये वाला एंगल देखूँ और ये वाला एंगल देखूँ, ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं, ऑल्टरनेट हैं। ये 40 दिया हुआ है और ये मैंने 2 मान लिया। यहाँ पर देख सकते हैं आप सेम चीज़, ये देखिए ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या बन रहा है जेड फॉर्मेशन और ये अल्टरनेट एंगल होंगे। तो एंगल 2 तो डायरेक्टली हमें मिल गया यहाँ से, एंगल 2 इज इक्वल टू किसके होगा, एम वाई आर के, एम वाई आर के, ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से एंगल 2 सीधा सीधा मिल गया हमें 40 डिग्री, दोनों एंगल मिल गए 1 बी और 2 बी। अब आप देखिए 1 प्लस 2 मिला के आपका आंसर ही आ जाएगा, तो एंगल 1 प्लस 2 अगर हम मिला दें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, एक्स एम वाई जो आपको बताना था ना, एक्स एम वाई वो आपको मिलेगा 1 प्लस 2 को ऐड करके, तो दोनों को ऐड कर लीजिए 45 प्लस 40, तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा कितना, इधर लिख लेते हैं, हाँ तो ये आ जाएगा 45 प्लस 40, एक्स एम वाई आ गया हमारा कितना 45 प्लस 40 करके 85 डिग्री। तो यही है हमारा आंसर। तो सीधा सीधा आप देखिए, ये तो आ गया को इंटीरियर से 45, ये आ गया ऑल्टरनेट से 40, दोनों को ऐड करके आंसर आ गया 85 डिग्री। तो अब आपको देखना है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपकी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसको कराने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है और बहुत एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से समझ लीजिए इसको। POQ is a line, ये कह रहे हैं POQ एक लाइन है,
रे ओ आर इज द परपेंडिकुलर टू द लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर, ये 90 बना रखा है इन्होंने, परपेंडिकुलर मीन्स 90 ऑन द लाइन पी ओ क्यू, ठीक है। सो ओ एस इज अनदर रे, ओ एस एक और रे है जो लाई करती है बिटवीन ओ पी एंड ओ आर, ओ पी और ओ आर के कहीं बीच में लाई करती है, बिटवीन मतलब कहीं भी बीच में लाई करती है। प्रूफ करना है आर ओ एस, ये जो एंगल है आर ओ एस, ये आपको प्रूफ करना है आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। क्वेश्चन दिखने में काफ़ी टफ सा लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल वे में कराऊंगा इसको मैं आपको। चलिए देखते हैं, एक बात बताओ, अगर मैं आर ओ एस और क्यू ओ आर को ऐड कर लूँ, ध्यान से देखना, मेरे को आर ओ एस फाइंड करना है, ठीक है, ध्यान से रखेंगे। मेरे को पता है कि अगर मैं आर ओ एस, ये वाला एंगल, ये आर ओ एस और ये वाला एंगल क्यू ओ आर, इनको ऐड कर लूँ तो कितना आएगा बताइए, ये एंगल प्लस ये एंगल ऐड करके ये पूरा बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों एंगल को अगर मैं ऐड कर लूँ तो ये पूरा ही आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बताइए। इसका नाम क्या है, क्यू ओ एस, क्या नाम है इसका, क्यू ओ एस, क्लियर हो गया इतना। अब बताइए इनमें से कोई चीज़ गिवन है तो हम लिख देते हैं, आर ओ क्यू 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर बोला था इन्होंने, ठीक है, ये एंगल क्यू ओ आर या आर ओ क्यू आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसकी जगह आप 90 लिख लीजिए, यहाँ से आ जाएगा आर ओ एस प्लस 90 इक्वल टू क्यू ओ एस। तो आर ओ एस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, क्या आएगा, क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। अगर एक बार वीडियो देख के समझ नहीं आएगी तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप दोबारा भी देख सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया है, मैंने इन दोनों एंगल को जोड़ के पूरा लिख लिया क्यू ओ एस, ये देखिए। लिखने के बाद फिर मैंने देखा इनमें से मुझे क्या गिवन था, तो मुझे क्यू ओ आर 90 गिवन था, ये देखिए ये वाला एंगल, ये 90 गिवन था तो इसकी जगह 90 लिखा। मैंने आर ओ एस क्यों फाइंड करा, क्योंकि क्वेश्चन में आर ओ एस फाइंड करना था हमें, तो यहाँ से 90 को लेके इस साइड माइनस का हो गया यहाँ जाकर, तो यहाँ से मुझे आर ओ एस एंगल की वैल्यू मिल गई क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर वन। ऐसा करते हैं एक बार आर ओ एस फिर से निकालते हैं इधर से, ठीक है, जो हमने अभी तक करा है वो इस तरफ से करा था, अब काम हम इधर से करेंगे, ठीक है ना, फिर से आर ओ एस एक बार निकाल लेते हैं क्योंकि आर ओ एस तो इधर से भी आ रहा है, तो अब देखते हैं आर ओ एस इधर से कैसे लिखेंगे। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड करते हैं, देखो क्या आएगा, पी ओ एस यहाँ पे लिखेंगे ना हो, अब हम अगली चीज़ की बात कर रहे हैं, पी ओ एस प्लस ये वाला एंगल क्या है आर ओ एस, पी ओ एस प्लस आर ओ एस मिला के बताइए क्या बनेगा, इन दोनों एंगल को मिला के पूरा बन जाएगा पी ओ आर, क्लियर हो गई चीज़, ये बन जाएगा पी ओ आर। फिर से देख लीजिए इन दोनों एंगल को जोड़ा मैंने, पी ओ एस और आर ओ एस, इन्हें जोड़ के बन गया पी ओ आर, क्लियर। तो पी ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल टू, अब बताओ एक बात मुझे, अगर इधर से ये 90 डिग्री दिया हुआ था, आर ओ इज दी परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, अगर आर ओ परपेंडिकुलर है तो इधर 90 बनेगा तो उधर भी क्या बनेगा 90 बनेगा, देखो सीधी लाइन है ना ये, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना, इधर 90 बनेगा तो ये पी ओ आर भी कितना होगा 90 होगा, तो इसकी जगह 90 लिख लेते हैं। यहाँ से भी मैं आर ओ एस की वैल्यू निकालूंगा तो आएगी 90 माइनस पी ओ एस, कितनी आएगी 90 माइनस का पी ओ एस हो जाएगा इधर जाके। यहाँ से भी मैंने आर ओ एस निकाल लिया, यहाँ से भी एक काम करो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो और क्वेश्चन लगभग खत्म हो जाएगा। देखो ऐड इक्वेशन वन एंड टू, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो चलिए ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को, तो आर ओ एस प्लस आर ओ एस कितना हो जाएगा टू एंगल आर ओ एस, राइट साइड को ऐड करते हैं तो आएगा क्यू ओ एस माइनस 90 प्लस 90 माइनस पी ओ एस, कुछ नहीं करा हमने, दोनों की राइट साइड को प्लस करके लिख दिया, जैसे ही लिखा तो माइनस 90 प्लस 90 कैंसिल हो गया, यहाँ से जो आएगा मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ से आएगा टू एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये जो टू है इसके साथ इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, देखिए यहाँ पर डिवाइड में है ना, तो मेरा आंसर अब आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 10 कम्प्लीट, ये हमने कर दिया प्रूफ। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एंगल ए 50 दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ए बी सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट पॉइंट ओ, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ एंगल बी ओ सी, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।